हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनकेबी टीचिंग क्लासेस। एंड टुडे टॉपिक इज सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन सिंपली मैंने आपको पहले बता रखा है, आज हम करेंगे सब्सट्रैक्शन थ्रू अबाकस। अबाकस की हेल्प से हम सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें आपने ये डायग्राम देखा होगा, ये किसका है? अबाकस का। अबाकस नॉर्मली मैंने आपको ड्रॉ करना बता रखा है कि हमें डिजिट दे रखी है तो वो उसमें बीड्स कैसे ड्रॉ करनी है, या अगर हमें उसमें बीड्स दे रखी है तो हमें डिजिट कैसे रिप्रेजेंट करनी है। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आज हमें टू अबाकस दे रखे हैं, उनमें बीड्स ड्रॉ कर रखे हैं और नीचे उनकी डिजिट भी लिखी हुई है। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, एक दूसरे से सब्सट्रैक्शन करना है। देखिए, पहली स्टेटमेंट ये है, इसमें 25 डिजिट दे रखी थी तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया अबाकस में। 5 वंस की टर्म में आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट है, और 2 टेंस की टर्म में आएगा, इसलिए 2 बीट्स हमने टेंस वाली रोड में ड्रॉ कर लिया। माइनस का साइन क्योंकि सब्सट्रैक्शन करना है। और फिर दूसरे वाले अबाकस में हमने 13 डिजिट दे रखी है तो 3 को वंस में काउंट करेंगे और 3 बीट्स लगाएंगे वंस वाली रोड में, और 1 सेकेंड डिजिट है तो ये टेंस में आ जाएगा, यानी 1 बीट्स इन 10 रो। अब स्टूडेंट, हमें इनको सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, वंस को वंस में से माइनस करेंगे और टेंस को टेंस में से माइनस करेंगे। तो 13 माइनस करना है किस में से, 25 में से। तो पहले वंस को देखते हैं, इसमें 5 दे रखा है वंस में और इसमें 3 दे रखा है, तो इसमें से हमें 3 बीट्स माइनस करनी है। तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली सब्सट्रैक्ट अबाकस है उसमें से 3 को क्रॉस कर देते हैं। ओके बच्चों, ऐसे ही टेंस में करते हैं। टेंस में हमें 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 1 बीट्स जितना यहाँ पे दे रखा है वो हमको उधर क्रॉस करना है, तो इसमें हमने 1 बीट्स को क्रॉस कर दिया है। अब हम देखते हैं क्या रिमेनिंग रह गया हमारे पास। वंस में हमारे पास 2 बीट्स रिमेन रह गए हैं और टेंस में 1 बीट्स है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, वंस में अब हमारे पास 2 बीट्स हैं और टेंस में 1 बीट्स हैं, तो इसके नीचे इसके अकॉर्डिंग हम इसकी डिजिट लिख देते हैं। 1 बीट्स है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, उसमें 2 बीट्स है तो 2 आ जाएगा। अब नॉर्मली भी स्टूडेंट हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो अब देखो 25 माइनस 13 इक्वल, नॉर्मली भी हम करते हैं 12 आंसर। और अबाकस के थ्रू जैसे बच्चों को बताते हैं, अबाकस के थ्रू भी सब्सट्रैक्ट करके दिखाओ, तो वो इस तरह से हो जाएगा, बड़ा इजी सम है। अब सेकंड सम भी देख लेते हैं। 1 अबाकस ये है और सेकंड अबाकस ये है। तो मैंने आपको क्या बताया है, जो डिजिट इसमें हमें बीड्स वगैरह दे रखी हैं वो हमें फर्स्ट वाले में से माइनस करनी है, यानी इस तरफ हमें वो क्रॉस करनी है जितनी डिजिट यहाँ दे रखी है। देखो 73 दे रखा है तो हमने 73 को अबाकस में इसके बीड्स इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिए हैं। 3 लास्ट है तो वंस की रोड में ड्रॉ करेंगे, और 7 सेकेंड वन है तो उसको टेंस की रोड में ड्रॉ करेंगे, और सेकेंड अबाकस में दे रखा है हमें 31, तो 1 आ जाएगा वंस की टर्म में और 3 आ जाएगा टेंस की टर्म में। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू सब्ट्रैक्ट। नाउ वंस में क्या क्या दे रखा है, इधर 3 बीट्स है और इधर 1 बीट्स है, तो हमें 1 बीट्स किस में से माइनस करनी है, 3 में से। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो फर्स्ट वाला अबाकस है उसमें से हमें उतनी माइनस यानी क्रॉस कर देनी है बीट्स, तो ये हमारे पास 2 बीट्स रहेगी। अब हम देख लेते हैं टेंस में, इधर बच्चों हमें 7 बीट्स दे रखे और माइनस कितनी करनी है, 3 बीट्स इसमें से माइनस करनी है, तो 3 को क्रॉस कर देते हैं, 1, 2 एंड 3, तो रिमेनिंग कितनी रह गई, 1, 2, 3, 4, टेंस में 4 बीट्स रह गए हमारे पास और वंस में 2। देखो ये मैंने यहाँ इधर ड्रॉ कर दिया, 4 बीट्स थी टेंस में, देख लीजिए आप 1, 2, 3, 4, तो 4 बीट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की, और इसमें वंस में थी हमारे पास 2 बीट्स, 2 यहाँ पे ड्रॉ की, तो इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिजिट लिख देते हैं। 4 बीट्स हैं तो इसके नीचे हम लिखेंगे 4, और 2 बीट्स है तो इसके नीचे हम लिख देंगे 2।
नॉर्मली भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 73 माइनस 31 इक्वल कितना आएगा बच्चों, 3 माइनस 1 यानी 2 और 7 माइनस 3 यानी 4। देखिए बच्चों आंसर सेम रहेगा, आप अबाकस के थ्रू करें या सिंपली करें, पर बच्चों एग्जाम में आ जाता है ना कि आप अबाकस के थ्रू सब्सट्रैक्शन करके दिखाइए, तो आपको दोनों ही मेथड का पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लेना मेरे से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। एवरीवन थैंक यू फॉर वॉचिंग।